अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूं अलीज़ रज़ा। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुल्क भर में ऑपरेशन रदल फसाद के तहत फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी। रेंजर्स और सीटीटी का मंडी बहाउद्दीन और इस्लामाबाद में ऑपरेशन, 7 अफराद ज़ेरे हिरासत। ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया गया। वजीर तजारत खुर्रम दस्तगीर की ज़ेर सदारत बैनुल वज़ारती कमेटी का इजलास। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं साल 2016 में चीनी की कीमत 69 रुपए फी किलो तक पहुंच गई थी। चीनी की कीमतों की कड़ी निगरानी की गई। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं सिंध के 80% मंसूबे 2018 तक मुकम्मल हो जाएंगे। शरीफ बरादरान अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कराची में तजारती मराकज में डकैतियां करने वाले मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई। डकैती की वारदातों के अहम किरदार मोहम्मद आमिर बलोच उर्फ डाडा गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। और चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय सूरमाओं को हराकर आईसीसी चैंपियन बनने वाली पाकिस्तानी टीम वतन वापस पहुंच गई। एयरपोर्ट पर कौमी खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। ये थी अब तक की न्यूज हेडलाइन। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए newsplus.com.pk।